सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कहा, आप किसी के घर के बाहर रातों रात बुलडोजर ले जाकर उसके घर को नहीं गिरा सकते, उसके घर के सामान का क्या होगा। किसी के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए नियम कायदों को फॉलो करना जरूरी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे बी पारदीवाला का। दरअसल चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 2020 के केस की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस केस का स्वतः संज्ञान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के पीछे एक लेटर है। लेटर भेजा था उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले मनोज टिबरेवाल आकाश नाम के शख्स ने। हुआ यूं था कि 2019 में मनोज के घर पर सरकारी बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। मनोज का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें बिना जानकारी दिए उनके घर पर बुलडोजर चला दिया, उन्हें कोई भी नोटिस नहीं भेजी गई थी। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मनोज ने यह भी आरोप लगाया कि सड़क निर्माण परियोजना में कथित गड़बड़ियों के बारे में उन्होंने मीडिया को सूचित किया था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से ये तोड़फोड़ उसका रिएक्शन था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि मनोज का घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है, सड़क चौड़ीकरण के चलते ये कार्रवाई की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप कह रहे हैं मनोज ने 3.7 स्क्वायर मीटर जगह का अवैध अतिक्रमण किया था, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप कानून का पालन किए बिना या नोटिस दिए बिना किसी के घर में घुसकर उसे कैसे ध्वस्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए मनोज को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया। साथ ही यूपी के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि जो अधिकारी इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। न्यूज़ एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की उस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि सड़क निर्माण के लिए जितनी ज़मीन की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। बेंच की ओर से कहा गया कि प्रशासन अगर सड़क का चौड़ीकरण करना चाहता है और उसके लिए अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत है तो प्रशासन की ओर से औपचारिक नोटिस जारी करनी चाहिए। अगर लोकल के लोगों को अतिक्रमण हटाने में आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर इसके बाद भी प्रशासन अतिक्रमण हटाता है तो उसके लिए प्रशासन को आधिकारिक ऑर्डर जारी करना होगा। जिन लोगों का अतिक्रमण है उन्हें जगह खाली करने के लिए पर्याप्त समय देना होगा। इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूपी सरकार की पूरी कार्रवाई मनमानी बताई। इसी के चलते सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा गया। ऐसे कई आरोप प्रशासन पर पहले भी लगते रहे, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनमें कमी आएगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथी जतिन है, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए दिल्ली लंडन टॉप। शुक्रिया।